को धन्यवाद नहीं होता आप और ये संदेश सर ये सर सर ओके सर नो प्रॉब्लम सर बोलो बोलो सर मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ जादवपुर लोकसभा क्षेत्र के लोगों का जिन्होंने मुझे भारी बहुमत से यहाँ पे जिता के भेजा और ये पैगाम दिया कि पश्चिम बंगाल में नफरत की रणनीति और धोखेबाजी की राजनीति नहीं चलेगी। अध्यक्ष महोदय मैं उम्मीद करूंगी कि आज आप मुझे पूरा बोलने का मौका दें क्योंकि हाल ही में हुए नीति आयोग की जो मीटिंग हुई थी वहां पे हमारी माननीय मुख्यमंत्री जो देश की एकमात्र महिला मुख्यमंत्री भी है उनका माइक बीच राह में ऑफ कर दिया गया था। वो बंगाल के अरे अभी तो शुरुआत है ये तो ट्रेलर है पिक्चर बाकी है। अध्यक्ष महोदय मैं आपसे ये बोलना चाहती हूँ कि वो बंगाल के हक के लिए यहाँ पे सवाल उठाने आई थी वो बंगाल के लोगों की बात रखने यहाँ पे आई थी लेकिन उनका माइक ऑफ कर दिया गया आपके माध्यम से। मैं सदन में उपस्थित वहाँ जो बैठे हैं माननीय सदस्य कोई भी नीति आयोग या कोई भी घटना को सर एक लाइन अपन डिलीट करेंगे सर एक लाइन सर एक लाइन सर मैं यही बताना चाहती हूँ कि बंगाल के लोगों का गला घोटने का काम किया गया और उनकी आवाज को बंद करने का काम किया गया। आगे जाके बंगाल के लोग आपके पार्टी की माइक ऑफ कर देंगे बस एक चुनाव बाकी आप देख लीजिएगा। सर ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस इस सदन और इस देश का थर्ड लार्जेस्ट अपोजिशन पार्टी है और हम आपसे धन्यवाद हम आपको देते हैं कि आपने हमको रेलवे स्वास्थ्य शिक्षा और आज ये पशुपालन जैसे महत्वपूर्ण विषय पे चर्चा करने का मौका दिया लेकिन तृणमूल कांग्रेस आगे जाके देश के हर महत्वपूर्ण मुद्दे पे बात करेगा चाहे वो चीन का अनैतिक रूप से इस देश में प्रवेश हो या वो 700 से ऊपर आंदोलन जीवी किसानों माननीय सदस्य आप पहली बार बोल रही हैं मैं आपको हस्तक्षेप नहीं करना चाहता लेकिन जिस अनुदानों की मांगों पर चर्चा सर अभी आ रहे सर अभी आ रहे सर नीट के घोटाले से लेके सर नीट के घोटाले से लेके जीएसटी के बोझ तक एयरपोर्ट की छत टूट जाने से लेके रेल पटरी से छूट जाने तक तृणमूल कांग्रेस के सदस्य हर सांसद देश के हर गंभीर मुद्दे पर चर्चा करेंगे बस यही आपको बोलना था। रिस्पेक्टेड सर मामाटी मानुष इज द मैग्ना कार्टा of the governance of West Bengal and our party and I feel truly honored that today I have been given the opportunity to talk on a ministry which is intrinsic to the Mamati Manush of the country. Hamare kisan apni maveshi ko apni fasal ko maa ki tarah poochte hain jis khet mein wo hal chalate hain us zameen ko naman karte hain but does this major sector get support from the government? Sir, Indian agriculture supplies around 58% of India's livelihood and is a principal source of income for half of the population, accounting for 17 to 18% of the country's GDP. 70% of India's rural poor depend on livestock and farm animals. But does this sector get what it deserves? Iska jawab agar aap desh ke kisan se poochenge, to wo aapko yahi baat bolenge ki chai se shuru hui thi sarkar aur gaay pe atak gayi aur vikas ki mausi 10 saal mein raaste mein bhatak gayi. Sir, exorbitantly high cost of cattle and poultry feed under the mismanagement of this sector by the current government and wholesale fodder inflation hovering between 25% to 28.6% in the last 2 to 3 years, it is a 9-year high.